नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज देखिए हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हिंदी का क्वेश्चन कराना सीरीज शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, आज से हम लोग क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे। देखिए पहला हमारा वर्णमाला से रिलेटेड, हमने वर्णमाला का चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है तो उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट ना करते हो, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को फटाफट दो सेकंड का टाइम मिला, जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है अ, दूसरा है उ बड़ा ऊ, और तीसरा है बड़ी ई, और चौथा है ओ। जल्दी बताइए, तो इसका आंसर कौन सा है? आंसर ए। आई थिंक सभी लोगों ने बता दिया होगा क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, आपको भी पहले से पता होगा। अब बाकी क्या हमारे हैं, दीर्घ स्वरी है, दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है अ। दूसरा क्वेश्चन देखिए फटाफट, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। ऑप्शन है आपका अक्षर, व्यंजन, स्वर या अनुस्वार। आई थिंक आप लोगों ने बता दिया होगा इसका आंसर क्या है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये कैसे हुआ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फिर भी। अक्षर आपको पता ही है क्या होता है, समझ गए, एक ही वर्ड होता है उसमें। और देखिए व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन में क्या होता है आपका स्वर भी, जिसे हम लोग क लिखते हैं, तो क को कैसे लिखते हैं, क प्लस अ, ये एक वर्ड नहीं होता। ठीक है, दो वर्ड होता है, या जैसे छत्र संयुक्त व्यंजन भी होता है जिसमें क्या होता है, छत्रंग्या वाले। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ज्ञा क्या होता है, ज प्लस इया, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा सा बताने के लिए बता दिया मैंने, ये होता है। और देखिए स्वर आपको पता ही है, जो बिना अवरोध के स्वतः ही उच्चारित होते हैं, इसमें स्वर आते हैं। और अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, अंक। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अंतस्था व्यंजन कौन से है, फटाफट बताइए, तीन सेकंड का टाइम है आपका। ठीक है, बताइए, आई थिंक सब लोग बता दिया होगा कौन सा आंसर है, आंसर नंबर सी। देखिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन कम होंगे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा हो, जिन लोगों को समझ में आ रहा हो तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो पूरा वर्णमाला का सीरीज जाके देखिए, अच्छे से सारा कुछ क्लियर करा हुआ है। बार बार रिपीट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ भी बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। आई थिंक लोगों ने बता दिया होगा, चलिए डायरेक्ट आंसर देखें, इसका आंसर है डायरेक्ट ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 20। अब इसको एक्सप्लेन करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, जाके वीडियो देखिए आप। ठीक है, तीसरा वर्ण है इसलिए ग आया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, फटाफट बताइए, जिन लोगों आता है कमेंट करें फटाफट, बता दिया होगा लोगों ने, इसका आंसर है आंसर नंबर ए, ज। ठीक है, देखिए जिन लोगों को क्वेश्चन लगते चले जा रहे हैं, फटाफट देखते हुए क्वेश्चन कमेंट में आंसर बताते चलिए, कमेंट करते चलिए, देखते हैं कितने लोग आएगा क्वेश्चन आता है। इसमें से जितना भी क्वेश्चन पता है 100 out of 100 क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ठीक, तो 100% क्वेश्चन लगाने के लिए आप देखते रहिए, फिर आप कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, फटाफट बताइए, आंसर नंबर डी, ओष्ठ, ऊ, समझ रहे हैं, क्या एक्सप्लेन करूं दोबारा, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है, बता दिया होगा लोगों ने, डायरेक्ट आंसर बताऊं, आंसर नंबर सी, ब, यानी कि तीसरा वर्ण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उष्म व्यंजन कौन सा है, फटाफट बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन लिया हो, किसी को भी ऐसा नहीं हो किसी को ना आता हो। इनमें से अगर आपने 10 क्वेश्चन का सीरीज है, 10 क्वेश्चन में से अगर एक भी गलत हुआ समझ लीजिए फिर हिंदी आपकी कमजोर है, डिटेल में पढ़ने की जरूरत है आपको। चलिए आंसर बता दो, बता दिया हो लोगों ने, कमेंट कर दिया होगा, आंसर नंबर ए, श ख श ह। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध विवृत स्वर है, फटाफट बताइए, आई थिंक बता दिया होगा, आंसर डायरेक्ट बताता हूँ, फोर्थ, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग है, पहला ऑप्शन है ख छ ठ, दूसरा ऑप्शन है ध छ ढ, सी है म श ध, और डी है य द ध। चलिए आंसर बताते हैं, बता दिया होगा लोगों ने, आंसर इसका ए, ऐसे भी देख सकते थे, एक अगर आइडेंटिफाई हो गया ध तो बाकी में भी देखिए ध ध है, तो वैसे भी आंसर अगर किसी कन्फ्यूजन तो बता रहा हूँ ए।
और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन मैंने बनाए हुए नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ये लेखपाल यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं वर्णमाला में। अगर इन ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर इनमें से बेसिक क्वेश्चन में आपको नहीं आ रहा तो समझने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, फटाफट बताइए। ऑप्शन है आपके दंत, ओष्ठ, तालव्य या कंठ, कहाँ से उच्चारित होते हैं, फटाफट बताइए। जिन लोगों ने देखा होगा, जानते होंगे, वीडियो देखा होगा, उन्होंने बता दिया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, आंसर नंबर बी ओष्ठ, प फ ब, जाके देखिए, इससे भी आसान तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन वर्णमाला का सीरीज चालू है, इस तरह से इतने ही क्वेश्चन आज इतने ही रखते हैं, और सीरीज फिर अब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, अब टफ क्वेश्चन का भी लेवल स्टार्ट होगा। ठीक है, ये तो मैंने, जबकि ये इजी होने के बावजूद भी वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी और पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, ये मत सोचिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठा के ही पेपर करा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब थोड़ा सा टफ लेवल पर चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।